चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब प्रदेश को डाकुओं के नाम पर जाना जाता था, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से डाकुओं का आतंक खत्म हो गया है और उसके बाद किसी भी तरह के आतंकी संगठनों ने एमपी में स्लीपर सेल तैयार कर आतंक फैलाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश की पुलिस ने उन्हें पहले ही धर दबोचा और इसी तरह लगातार कार्रवाई जारी है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा। कांग्रेस की सरकार जब थी, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश को डाकुओं के नाम से जाना जाता था और शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी तरह से डाकुओं का राज इस मध्य प्रदेश में समाप्त किया। माफिया के खिलाफ हमने चुस्त दुरुस्ती के साथ अभियान चलाया और इस तरह से देश के विरुद्ध काम करने वाले संगठन और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सिमी के आतंकवादियों को हमने एक घंटे के अंदर ढेर कर दिया था, उनको मार डाला था। तो इस तरह की कोई भी घटना मध्य प्रदेश में अंजाम नहीं ले सकती, ये सुनिश्चित किया गया है। राजधानी भोपाल में एक चौराहे का नामकरण NSUI द्वारा किया गया है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। आप यह सुनकर जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल NSUI के कार्यकर्ताओं ने व्यापम चौराहा पहुंचकर वहां इस चौराहे पर घोटाला घर चौराहा का बोर्ड लगा दिया है। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने बताया कि व्यापम PV और फिर कर्मचारी चयन आयोग करने के बावजूद भी यह जमकर घोटाले हो रहे हैं। प्रदेश के शिक्षित युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए चौराहे का नाम बदल कर घोटाला घर चौराहा रखा गया है। देखिए, विगत वर्षों पूर्व व्यापम घोटाला हुआ था जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ था घोटाले के नाम से, जिसमें जो निर्दोष लोग थे वो आज भी जेल के अंदर हैं और जो दोषी थे वो आज भी बाहर हैं। एक घोटाले की यादें अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि ये दूसरा घोटाला हमारे सामने है जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ शिवराज सिंह चौहान और उनके अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। पैसे के लिए हजारों लाखों प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम का नाम बदला था, अपनी जो बदनाम हुई छवि उसको छुपाने के लिए। आज हमने इसका नाम घोटाला घर रखा है, मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों को जगाने के लिए और बताने के लिए कि ये आपको भर्ती देने वाला बोर्ड नहीं, ये आपके साथ घोटाला करने वाला बोर्ड है, ये आपसे पैसे लेके नौकरी देने वाला बोर्ड है। इसीलिए आज हमने इस बोर्ड का नाम घोटाला घर रखा है और इस चौराहे का नाम घोटाला घर चौराहे रखा है, जो कि व्यापम के नाम से फेमस था, और पूरे प्रदेश में हम इस नाम को प्रचलित करेंगे छात्रों के बीच में, जिससे छात्र जागे और समझ सके और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम कर सके। अच्छे दिन लाने की बात करने वाली मोदी सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके तहत शनिवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक PC शर्मा रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ठेला धमकाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस दौरान क्षेत्र की पूर्व पार्षद शविस्ता जकी, कार्यभाग जिला अध्यक्ष आसिफ जकी, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद कंसाना मौजूद रही। हॉकर्स कॉर्नर में और जगह जगह 10-10 हज़ार का लोन दिया है, ये स्ट्रीट वेंडर कहलाने की बात की है, ये केंद्र सरकार का नियम है, लेकिन आए दिन ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनका नगर निगम उठा के ले जाती है ठेले और गुमटियाँ और उनको बेरोजगार किया जाता है। ये हालत हो जाती है जब ये नगर निगम ले जाती है, इसलिए ये ठेला ये हालत करके वापिस करते हैं, उसमें भी 2,000 रुपये लेते हैं। कल भी प्रीतर्शी नगर में 22 लोगों के दुकानें हटा दी गई जो कि 20-20 साल से थे, इनके पूर्व मंत्री, इनके विधायक और ये प्रशासन इनके कहने पे लोगों को बेरोजगार कर रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन्हें हम रोजगार दे रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर को सब सुविधा देंगे। ये सब रजिस्टर हैं, इनके पास गुमास्ता सर्टिफिकेट है, लेकिन ये गरीबों की नहीं, ये अमीरों की सरमाएदारों की सरकार है, इसलिए यह छोटा जो ठेले वाला गुमटी वाला परेशान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से और नगर निगम से कि अगर यही चलता रहा तो हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे इन ठेलों को लेके, गुमटियों को लेके, जिनको आपने बेरोजगार किया है। ये लोग डीजल पेट्रोल रसोई गैस की महंगाई की बात नहीं करते, बिजली के बड़े बिल की बात नहीं करते, ये बस का जो बड़े बड़े बढ़ा दिए हैं रेट उसकी बात नहीं करते, ये बात करते हैं कि लोगों को बेरोजगार कैसे किया जाए।
इनके इनके घर में इनके जो बच्चे जिनका लालन पोषण होता है इन सब चीज़ों से इनको बेरोजगार करके इनको भूखे मारने की स्थिति कैसे की जाए। दारू सस्ती करेंगे ये, लेकिन ये गरीबों को जीने का अधिकार ये सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार इनकी लड़ाई लड़ेगी और इनको हक दिला के रहेगी। कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कई कोरोना योद्धाओं को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे नाराज होकर कोविड 19 योद्धा संघर्ष संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में शनिवार को राजधानी भोपाल में धरना दिया गया। यह प्रदर्शन भोपाल के अंबेडकर पार्क में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और परमानेंट करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। शनिवार से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ आया। भोपाल की प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के चलते पीर गेट स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर मां दुर्गा का विशेष श्रृंगार भी किया गया। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।